हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन अदर फ्रेश न्यू वीडियो। था आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप राउटर में DNS जो DNS सर्वर जो होते हैं वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई मेरा जो राउटर है मैंने लॉगिन किया हुआ है। आप IP एड्रेस देख सकते हैं कि ऐसा कुछ IP एड्रेस आपको डालना पड़ता है। तो राउटर टू राउटर ये IP एड्रेस भाई अलग होता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने बॉक्स में। तो सबसे पहले मेरा जो राउटर का मॉडल नंबर है ये W9970 है। तो इसका थोड़ा सा राउटर का जो पेज होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप अपने राउटर में भी डिफ़ॉल्ट एडमिन या पासवर्ड जो होता है उसमें से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या अपना कोई दूसरा पासवर्ड लगाया होता है तो आप उसके मुताबिक आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। तो भाई सबसे पहला जो उसमें DNS बदलने के लिए भाई दो टाइप की जो है होती है। सबसे पहली जो टाइप है DNS बदलने का तरीका, तो पहले जाता हूँ नेटवर्क में और WAN सेटिंग्स में। आप यहाँ पे एडवांस में जाना का, एडवांस में जाके आप यहाँ पे DNS सर्वर देख सकते हैं, DNS सर्वर एंड सेकेंडरी DNS सर्वर। यहाँ से आप DNS सर्वर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप लेफ्ट साइड में DHCP सर्वर देख सकते हैं। यहाँ पे जाके DHCP सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं DNS सर्वर सेकेंडरी DNS सर्वर। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, दोनों से आप चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ से आप चेंज करेंगे WAN सेटिंग्स में से, तो यहाँ पे कनेक्शन रीसेट होगा। मतलब कि यह जो WAN जो है कनेक्शन वो थोड़ी सी सेकंड के लिए बंद होगा और फिर से चालू होगा। और DHCP सर्वर में से ऐसा कुछ नहीं होगा, बट डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा DNS सर्वर। तो ऐसे आप अपने राउटर पे DNS सर्वर ऐड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में बताऊँगा कि कौन से DNS सर्वर फास्टेस्ट हैं अभी इंडिया के लिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।